अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए अब भारतीय बाजार में मुकाबला बढ़ने वाला है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज जल्द ही ई कॉमर्स सेक्टर में हाथ अजमाने उतर रही है। जियो के आने से जैसे टेलीकॉम कंपनी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी, वैसे ही रिलायंस का नया वेंचर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के कारोबार पर असर डाल सकता है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में खुद मुकेश अंबानी ने ई कॉमर्स सेक्टर में कारोबार शुरू करने का ऐलान किया। मुकेश अंबानी प्रभावशाली तरीके से ई कॉमर्स सेक्टर में कदम रखने जा रहे हैं। रिलायंस के ई कॉमर्स कारोबार की शुरुआत गुजरात से होगी। जियो और रिलायंस रिटेल के नए ई कॉमर्स प्रोजेक्ट से गुजरात में 12 लाख दुकानदारों को फायदा होगा। पूरी प्लानिंग के साथ रिलायंस ई कॉमर्स कारोबार में हाथ आजमाने जा रही है। रिलायंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेगी जो छोटे दुकानदारों और ग्राहकों को आपस में जोड़ेगा। रिलायंस फैशन से लेकर फूड तक और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फाइनेंशियल सर्विस तक सभी सेवाएं अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट का भी कारोबार होगा। जियो के जरिए रिलायंस पहले ही 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ चुकी है। मुकेश अंबानी ई कॉमर्स कारोबार को बढ़ाने के लिए शहरों और गांवों में फैले 5000 जियो पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। जियो के नेटवर्क के सहारे रिलायंस की पहुंच उन लोगों तक भी होगी जिन्होंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की थी। जियो का 5G नेटवर्क सर्विस देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जियो की 5G सर्विस शुरू होने से कंपनी के ई कॉमर्स कारोबार को भी फायदा होगा। गुजरात रिलायंस की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है, इसलिए कंपनी ने ई कॉमर्स कारोबार शुरू करने के लिए गुजरात को ही चुना है। आने वाले दिनों में रिलायंस का गुजरात में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का प्लान है। मुकेश अंबानी के ई कॉमर्स कारोबार में उतरने के फैसले से फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियों के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं।